आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, आज पीएम मोदी करेंगे उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर में होगा 50,000 करोड़ का निवेश, 5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। भारत डब्ल्यूटीओ के समझौते को लागू करने के लिए बाध्य, बदलते होंगे सब्सिडी के तरीके। कांग्रेस ने जारी की 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, हरीश रावत का नाम नहीं। बारिश ने तोड़ा 32 सालों का रिकॉर्ड, कड़ाके की ठंड के बीच बढ़ेगी मुसीबत। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर आगरा से है जहां पर प्रभावी मतदाता कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आगरा पहुंचे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान शुरू किया। छावनी विधानसभा के सदर बाजार इलाके में जनसंपर्क करने पहुंचे डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लोगों के घरों पर स्टीकर लगाए। डिप्टी सीएम महिला सुरक्षा पर महिलाओं को यूपी सरकार ने कई योजनाएं भी दी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जगह जगह जनसंपर्क के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से अपने मतदाताओं से संपर्क में लगा है। आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से योगी जी और मोदी जी के समन्वय से विकास के कार्य हुए हैं, मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी को मिला के ये 3 डिजिट में भी आने वाले नहीं हैं और बीजेपी पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी जीत का अपना, और साथ में 50% से ऊपर अंक मत पाके और फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बहुमत से बनाएगी। गठबंधन हुआ है तो कोई असर पड़ेगा क्या चुनाव परिणाम? ये महागठबंधन पहले हुआ था, सपा और बसपा से बड़ा गठबंधन आज तक नहीं हुआ, और कांग्रेस ने बाहर से उनको समर्थन दिया, वो चुनाव हारे, बुरी तरह हारे। अब की तो गठबंधन भी नहीं है और कुछ एक दो दलों का जो गठबंधन है जिनका प्रभाव नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि हार का मार्जिन। बांदा सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी विधायक प्रकाश द्विवेदी टिकट मिलने के बाद पहुंचे, जहां सैकड़ों की तादाद में भाजपा के उत्साही कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी का फूल मालाओं से स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी ने सबसे पहले संकट मोचन मंदिर सहित शह के महेश्वरी देवी, बम्बेश्वर महादेव और काली देवी मंदिर में माथा टेका। इस दौरान सदर विधायक ने कार्यकर्ताओं से कोविड गाइडलाइंस और चुनाव आचार संहिता के पालन का आग्रह किया, साथ ही 1 बार 300 पार का नारा भी दिया। इस बार वो करेंगे और किस तरह से जनता को वो करेंगे? अभी मैं जा रहा हूँ संकट मोचन के बढ़िया हनुमान जी के दर्शन करें, बामदेव महाराज के दर्शन करने, जी जी, वैष्णो देवी माता के दर्शन करने और काली मैया के दर्शन करने। जी, एक बार फिर से जनता के अपार स्नेह के कारण भारतीय जनता पार्टी अगली बार फिर 300 पार, और हम लोग इस बार दूनी मेहनत के साथ बांदा को उत्तर प्रदेश के शीर्ष पे ले जाने, बांदा के नक्शे को यूपी और देश के नक्शे पर कैसे स्थापित हो, इसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। जो चीजें इन 5 सालों में रह गई हैं उनको क्रमबद्ध ढंग से आगे भी ये कैसे बढ़ाए, इसके लिए हम पूरी तत्परता के साथ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहारनपुर पहुंचे, यहां सरसावा में सिरोही पैलेस में आयोजित एक सभा में चुनाव प्रभारियों और मंडल अध्यक्षों से वार्ता की। जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने किस प्रकार से प्रदेश की सेवा करने का काम किया है, यह हमारे प्रदेश का एक एक नागरिक जानता है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सेवा करने और प्रदेश को कोरोना काल जैसी भयानक बीमारी से बाहर निकालने का काम किया है।
देखिए सभी लोगों ने मन बना चुका है कि बीजेपी को वोट देना है, सभी लोग मना चुके हैं और समाज के सभी वर्गों ने। ये कारण क्या है कि आदरणीय मोदी जी योगी जी के आने के बाद गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं चली हैं गरीबों के, यानी एक गांव को खुशहाल करने के लिए गरीब का प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय है, आयुष्मान का कार्ड है, सौभाग्य योजना है, गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, प्रधानमंत्री बीमा योजना है, किसान सम्मान निधि, क्रय केंद्र है, गाँव को सड़क, गाँव को शहर से जोड़ने का काम हुआ है, तो इतने काम हुए हैं बिजली 24 घंटे देने का। तो लोगों ने मन बनाया है कि एक ईमानदार नेतृत्व है और आदरणीय मोदी जी योगी जी के ही नेतृत्व हम लोग चुनाव। रायबरेली में रेलवे फ्लाईओवर से 2 बाइक सवार नीचे गिर गए, दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएससी बछरावा में 108 एम्बुलेंस भी घंटों तक न पहुंचने से परिजनों में आक्रोश है। दरअसल रवि और महेश लखनऊ निमंत्रण कार्ड बांटने गए थे, राहगीरों की सूचना पर दोनों को सीएससी बछरावा पहुंचाया गया, उन्हें ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। दो लोग आए हैं, एक का नाम रिंकू 35 साल और दूसरे महेश 30 साल जी। दोनों को पता लगा है कि फ्लाईओवर से ऊपर से एक्सीडेंट होकर नीचे गिरे हैं जी। दोनों की हालत गंभीर है, दोनों ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि सरकारी अस्पताल में एक्सीडेंट के बाद जो है एम्बुलेंस सेवा नहीं उपलब्ध हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 108 एम्बुलेंस सेवाएं लखनऊ से गवर्न होती है, हमारे अस्पताल से नहीं गवर्न होती जी। इसके बारे में आप उच्च अधिकारी से बात करिए। चलिए, कहाँ पे? हाईवे पर। अच्छा, आप कहाँ पे मौजूद है इस समय? सरकारी अस्पताल। क्या असुविधा हो रही है आपको? कोई सुविधा नहीं हो रही, एम्बुलेंस दे जा रही है। कितनी देर से आपको लड़का बचाओ अस्पताल पड़ा हुआ है? 2 घंटा हो गए। 2 घंटे अस्पताल पड़ा हुआ है, आपको एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिल रही है? अलीगढ़ के धानीपुर हवाई अड्डे से प्रशिक्षण कर रहे 2 पायलटों का प्लेन घने कोहरे की वजह से खेतों में पलटी खाकर जा गिरा, जिससे इलाकों में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आनंद फानंद में पायलटों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है और मौके पर पहुंची जांच पड़ताल में जुट गई पुलिस। वहीं दूसरी ओर एयरफोर्स के कर्मचारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि धानीपुर हवाई अड्डे से 2 पायलटों के द्वारा धानीपुर हवाई अड्डे से ट्रेनिंग गाइडर VTAMU से उड़ान भरी गई थी। घने कोहरे की वजह से पायलट लाइन स्टेप को खो बैठा, जिसके कारण हादसा हो गया। प्लेन का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको लेकर दिल्ली से टीम भी आई थी और टीम के द्वारा प्लेन का निरीक्षण किया गया है। क्या मामला हुआ है आपके यहाँ पे एयरपोर्ट का? ये जो है रात फ्लाइंग के लिए गए थे, एक इसमें सोरेम जो है वो थे पायलट जी, और अजय यादव इसमें कर्मी थे। अरुण यादव अरुण यादव जो है इसमें शिक्षार्थी थे। शिक्षार्थी। तो ये रात कोहरे में जो है ये वहाँ पे पिलखनी के जंगल में गिर गया। तो उसमें कोई हताहत हुआ है? नहीं, हताहत कोई नहीं हुआ, बल्कि मामूली सी वैसी चोट चार थी, मामूली वैसी। अच्छा, जहाज कितना क्षतिग्रस्त हो गया लोगों? जहाज तो जो है उतरने के बाद में ये पलट गया, काफी है, 2-3 आधा क्षतिग्रस्त है आगे से सारा। तो इस संबंध में इसकी जांच के लिए कोई आया था वहाँ पर? दिल्ली से टीम आई थी। तो क्या जांच की जानकारी? वो जांच की है उन्होंने जो है करीब 3-4 घंटे में मौके पर जाकर जांच की। मतलब क्रैश होने की कोई वजह जानकारी हुई? कोहरा हो सकती है। सत्येंद्र। पिताजी का नाम? श्री रामचंद्र। गाँव कौन सा है? पिखलौनी। ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये कितने बजे की घटना है? शाम 8 बजे जी। कहाँ से उड़ा था ये? ये हवाई पट्टी यही है यहाँ पास में। अच्छा, कितने लोग सवार थे इसमें? 2 लोग। अच्छा, 2 लोग सवार थे जी। कोई घायल वगैरह कुछ? ना, कोई घायल नहीं हुआ है। कोई घायल नहीं है। तो ये कितनी ऊंचाई पर था लगभग जो कि ये गिरा है, ऐसा कुछ आपका मान लो 10-15 मीटर की दूर ऊंचाई पर? खबर अलीगढ़ से है, जहां के कोतवाली इगलास के गांव बेसम के पास तीव्र गति से आ रही एक कार अचानक डिवाइडर से टकराने के बाद अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद कार हवा में पलटी खाने के बाद पास में मौजूद खेतों में जा गिरी। आसपास के लोगों में कार की हालत को देखकर हड़कंप मच गया। कार में मौजूद लोगों को स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, साथ ही मौके पर स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना भी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा घायलों का इलाज करवाया जा रहा है और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। आज मुझे सूचना मिली कि
गांव दयापुर के पास एक गाड़ी पलट गई तेज स्पीड में, उसमें दो लोग घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल भिजवा दिया गया है। और सर मालूम हुआ कि कहाँ की गाड़ी है ये? रोहल शासनिक गाड़ी है, बता रहे हैं। ऐसी हुआ था सर, बोरे की तरफ से एक आ रही थी बिटारा ब्रजा गाड़ी, उसमें दो बंदे थे, एक बंदे को गंभीर चोट है, एक बताने की स्थिति में नहीं था। एम्बुलेंस आई और उन दोनों बंदों को ले गई। गाड़ी अभी भी यथा स्थिति में यों की तो पड़ी है। कि आपको ये पता है कि कहाँ की है गाड़ी, कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? कुछ नहीं पता है, बताने वाला कोई शक। अलीगढ़ के देहली गेट थाने के गेट पर देर रात सिपाही के हाथ से दंगा नियंत्रक रिपीटर बंदूक लोड कर चेक करते समय चल गई। इस दौरान छर्रे लगने से तीन राहगीर जख्मी हो गए। हालांकि तीनों मामूली रूप से जख्मी हुए हैं, मगर मौके पर भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में तीनों को अस्पताल ले जाया गया, घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। पे तीनों घायलों को खतरे से बाहर बताया गया है। मौके की सूचना मिलने पर SSP ने सिपाही को लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर करते हुए CO को जांच सौंपी है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक पुलिसकर्मी से दंगा निरोधक उपकरण था, उसे जमीन पे लगी, उसे रिक्वेस्टेड होकर कुछ कांच के टुकड़े वगैरह उसको लगे, बाकी कोई किसी को गंभीर चोट इस तरह की नहीं है। सब लोग इलाज के बाद घर पे पहुंचे। कितने लोग घायल हुए? अभी तीन लोगों के लिए बताया गया, बहुत ही मामूली स्किन पे चोट आई है, सारे लोग घर पे पहुंच गए हैं और उसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है कि किस परिस्थिति में ये असावधानी बस कैसे। परिवार की क्या मांग जांच रही है इसमें? उनकी यही मांग है कि किस तरह से ये असावधानी बस चल गया, उसकी जांच करवाई जाए, तो वो जांच करवाई। घटना कहाँ की रही सर? ये दिल्ली गेट चौराहे की। अभी इसकी जाँच में कर रहा हूँ, इसकी रिपोर्ट बनाई जा रही है, कार्रवाई करवाई जाएगी। किस तरह का विरोध है? नहीं, जानकारी मिली थी कि किसी पुलिसकर्मी की असावधानी के चलते चार बच्चों के दहली के क्षेत्र में चौराहे के आसपास छर्रे लगे हैं, जिनकी यहाँ जांच हुई और उसका डॉक्टरी मायना उनका हुआ। संबंधित पुलिसकर्मी की इस गलती के लिए उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए और ये विभागीय कार्रवाई में उसको लेके सस्पेंड करने की बात। अमेठी से खबर सामने आ रही है, जहां के बेलवा हसनपुर के गांव में 14 मार्च की रात 11 वर्षीय बेटी की संदिग्ध हालत में बराम में शव लटकते हुए पाया गया। साथ ही मृतक की मां का आरोप है कि उस समय गांव के ही कुछ लोगों ने उसे डरा धमका कर शव जबरन दफना दिया था। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर गांव के ही चार लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर करने की बात कही है। बता दें कि बीते शनिवार को DM के आदेश पर SDM, CO, PHC अधीक्षक और SO शव को कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए गौरीगंज भेज दिया गया। फांसी लगा के मार के टांग। कौन लोग? जान मोहम्मद, जन संसाद, रऊफ, मुकीम। अच्छा, किस लिए फांसी लगाया था? पता नहीं। अच्छा, कितने दिन हो गए? 10 महीने। 10 महीने हो गए? 6-7 महीने हो गए। मार्च कोर्ट के आदेश से आज खोदा जा रहा है। ये देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश पर थाना जायस पर मुकदमा अपराध संख्या 300/21 376/302/201 IPC का अभियोग जायस में पंजीकृत हुआ था। इसके नियमानुसार DM महोदय से कब्र से डेड बॉडी निकालकर PM हेतु अनुमति प्राप्त की गई थी, उसी क्रम में आज SDM और CO द्वारा नियमानुसार उसको कब्र से निकलवाकर PM के लिए भेजा गया। क्या आरोप लगाए गए थे इसमें? जैसे मैंने बताया 302/376/206 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था। अब विवेचना के बाद ये पता चलेगा और कि कितनी सच्चाई है, क्या कार्रवाई हुई थी, चूंकि पहले कोई अभियोग पंजीकृत नहीं था, तो विवेचना के बाद ही कुछ बताना इसमें उचित होगा। बांदा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 क्विंटल 54 किलो गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 2 अभियुक्त फरार हो गए हैं। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है।
पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, गांजा बरामद किया है, साथ ही गांजा तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया है पुलिस ने। बांदा से ये खबर सामने आ रही है, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है, साथ ही गांजा तस्कर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कल दिनांक 21/1/2022 को थाना नरेगी पर सूचना मिली कि शंकर पुरवा का डेरा हंस बुढ़ा कला, जो कि थाना नरेनी के अंतर्गत पड़ता है, में रज्जू नामक व्यक्ति के तीन पुत्र पल्लू, पट्टू और लाल बहादुर गांजे की खेती कर रहे थे। सूचना पर पुलिस मौके पर गई तो गांजा काट के बेचने की तैयारी में थे। मौके से ही गांजा बरामद किया गया। कच्चा गांजे के पेड़ जिनका वजन 3.5 क्विंटल के लगभग था, को सीज करते हुए NDPS की धारा 8/20A के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। लाल बहादुर को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। रज्जू तथा पट्टू। खबर अलीगढ़ से है, जहां के थाना दिल्ली गेट के क्षेत्र के अंतर्गत प्रेमी के घर में प्रेमिका के घर वालों ने आग लगाकर सब सामान जलाकर खाक कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसका पुत्र और पड़ोसी की ही रहने वाली एक लड़की जैनब को लेकर 10 दिन पहले फरार हो गया है, जिनका काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के परिवार वाले घर में रखे रुपए, पैसे और सोने के आभूषण लेकर घर में आग लगाकर फरार हो गए, जिससे अड़ोस पड़ोस में अफरा मच गई। पीड़ित परिवार ने थाने में 3 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये घटना हुई है सर, ये कभी 8-10 दिन हुए, मेरे पास भी फोन आए उनके नसीन भाभी के, उनसे मेरी बातचीत भी हुई, उन्हें भाभी जान देख रहे हैं। कल उसका दामाद भी मुझे मिला मीडिया कॉलोनी मोहम्मद नगर के अंदर, उसने मुझसे पूछा कि मुझसे अधिकार के चाचा क्या हुआ बेटा, नहीं बेटा तो मैं तो टेम्पो लेके आया हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ, नहीं बेटा मैं तो ऑटो लेके आया हूँ अभी और ढूंढ रहा हूँ बेटा, मेरा भी कोई तलाश नहीं है। बोला गुल्लो चाचा कहाँ रहते हैं, गुल्लो चाचा का आगे गली में मकान है। बोला अच्छा मैं अभी नहीं आ रहा, मैं कल अपनी सास को लेके आऊँगा। मैंने बेटा को कोई बात हो तो बताइए, चलिए तो बाद में जब कोई ढूंढना ढांडी बहुत देख ली, अब तो जो कर आएगा वो कर आएगा। मैंने बेटा बात तो सुनी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।